ओके व्यूअर्स, मेरे मुद्रा सीरीज के छठे वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, उसमें जो मुद्रा है वो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनका नेवल रीजन कमज़ोर है, बार बार पिचोटी खिसक जाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम है और वो अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, वो इस मुद्रा को करने से लाभान्वित होंगे। मैं बताने जा रहा हूँ सुरभि मुद्रा, इसे काऊ मुद्रा भी कहा जाता है। अभी काऊ मुद्रा वज्रासन, सुखासन या उत्कटासन में बैठ के किया जाता है। वज्रासन सुखासन में आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उत्कटासन थोड़ा सा कठिन पोस्चर है क्योंकि बिना कुर्सी के आप कुर्सी पर बैठने का पोस्चर जो है उसमें घुटने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए आप वज्रासन या सुखासन में करें तो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। इस मुद्रा में अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आमने सामने लाएं। अभी दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर को लेफ्ट हाथ के फर्स्ट उंगली को टच करें, उसके बाद दाहिने हाथ के फर्स्ट उंगली को बाएं हाथ के बीच वाले उंगली से लगाएं, दाहिने हाथ के रिंग फिंगर को बाएं हाथ के छोटी उंगली से लगाएं और दाहिने हाथ के छोटी उंगली को बाएं हाथ के रिंग फिंगर से टच करें। दोनों अंगूठा छाती की तरफ पॉइंट करती हुई होंगी और छाती के लेवल पर हाथ होगा जो इस कुछ इस तरह से बनेगा। वो जैसे कि गाय के दूध निकलने के थन होते हैं, कुछ उस तरह का पोस्चर बनता है, इसलिए इसका नाम सुरभि या काऊ मुद्रा रखा गया है। एक बार फिर से देखें, दोनों हथेलियों को आमने सामने लाएं। अभी दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर को बाएं हाथ के पहली उंगली से टच करें और दाहिने हाथ की पहली उंगली को बाएं हाथ की बीच वाले उंगली को टच करें और दाहिने हाथ के रिंग फिंगर को बाएं हाथ के छोटी उंगली से टच करें और दाहिने हाथ की छोटी उंगली को बाएं हाथ के रिंग फिंगर को टच करें। कुछ इस तरह से ये पोस्चर बनेगा। बायां अंगूठा, दोनों अंगूठे चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए और चेस्ट लेवल पे हाथ उठा हुआ होगा, कुछ इस तरह से ये पोस्चर होगा। इस पोस्चर को 40 से 50 मिनट तक किया जा सकता है। यदि एक बार में पॉसिबल नहीं है इतना देर, तो आप 3 या 4 बार में भी कर सकते हैं, 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के पीरियड के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके नेवल रीजन को मजबूत करता है। बार बार जिसकी पिचोटी खिसक जाती है, जिसको नाभि खिसक जाना बोलते हैं, कई लोगों को उससे परेशानी होती है, उससे कभी उल्टी आती है या कभी लेटरिन होता है, तो ये सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं और इसका
सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे अपने शरीर के अंदर मणिपूरक चक्र स्टिमुलेट होता है, यानी तीसरा चक्र ये स्टिमुलेट होता है। तो इस तरह से ये सुरभि मुद्रा बहुत ही विशेष है और इसे करने से काफ़ी लाभ होता है। अभी हम लोग हमने सुरभि मुद्रा के बारे में बताया था और अभी हम आपको बात करेंगे नमस्कार मुद्रा के बारे में। जैसा कि आप हम रोज़ इस नमस्कार मुद्रा को अपनाते हैं, जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम उसे हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और उसे स्वीकारते हैं कि आप आइए पधारिए। ये आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि जब से ये मानव जाति बना है तब से ये परंपरा चल रही है और जब भी हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो हम एक दूसरे का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ही करते हैं। उससे साफ प्रदर्शित होता है कि मैं आपको शुद्ध हृदय से स्वीकार करता हूँ, आप हमारे आगंतुक हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। आपको अपने गेस्ट बनाते समय इसलिए ये एक प्रतीक है, हमारा नमन है उस, वैसे हम उस व्यक्ति के उस पर करते हैं लेकिन ये वास्तविक में ये नमन उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है हम उसको स्वीकार करते हैं, ये शरीर को नहीं, शरीर के अंदर वो आत्मा है तो हम उसको अभिवादन करते हैं, उसको सत्कार करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। इसका दूसरा जो पोस्चर है वो है जो हम स्पिरिचुअल इसमें रिलीजियस उसमें लेते हैं, जैसे कि हम किसी भी योगा प्राणायाम में जब हम शुरुआत करते हैं, जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो हमारा पोस्चर कुछ इस प्रकार से होता है, दोनों हथेलियां ऐसे मिली हुई होती हैं और ये हृदय के पास इस तरह से पॉइंट करती हैं, दोनों कुहनियां दोनों साइड में ऐसे निकली हुई और सीधी निगाह सामने होती है और आंखें कुदरती तौर पर बंद किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के ये नमस्कार मुद्रा है। इसको करने से ये फायदा है कि हमारे शरीर के अंदर एक सिग्नल जाता है, हमारे माइंड को हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है, क्योंकि हमारे दोनों हथेलियों के जो नर्व्स हैं उनका कनेक्शन हमारे दिमाग से है। तो ये एक सर्किट जैसा पूरा होता है और हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, इससे हमारा दिमाग शांत होता है, मन की गति धीमी होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए ये मुद्रा हम लोग अडॉप्ट करते हैं आसन करते समय, प्राणायाम करते समय, इसके शुरुआत में जो वंदना है उसके लिए इसमें पूरे हाथ पे प्रेशर पड़ता है, पूरे दोनों तलथियाँ मिली हुई होती हैं और ये एक्टिवेट होता है। तो ये है आज का मुद्रा जिसके बारे में आपने को बताया, सुरभि मुद्रा और नमस्कार मुद्रा। आज के लिए इतना ही, इन मुद्राओं की आप प्रैक्टिस करें और इससे लाभान्वित हों। मैं फिर अपने दूसरे वीडियो में आपके पास सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।